अब हमारे चीफ गेस्ट के रूप में और जो स्पोर्ट्स लवर हैं श्रीमान के इसका मतलब यह नहीं है कि इसलिए बोला जाए रियली श्रीमान में स्पोर्ट्स के प्रति बहुत लगाव रहा है और हम लोगों के दल के नेता और हमारे भाई मकूम डॉक्टर मोहम्मद साहब उद्दीन साहब की अहलिया दीना साहब साहिबा चूंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता है अगर ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने डॉक्टर साहबुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि देने का जो माध्यम आपने चुना है उसके वो हकदार थे और उन्होंने अपने जीवन काल में यहां कई अच्छे अच्छे टूर्नामेंट कराए जिसका मैं खुद साक्षी रहा हूं इसी स्टेडियम में एक अच्छा टूर्नामेंट अफजाल साहब के नाम पर हुआ था और फिर सीवान जैसे जगह पे बैडमिंटन का नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट उन्हीं के देखरेख में हुई थी आपके इतना फुटबॉल टूर्नामेंट कई थी वो मैं ये कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स में अगर राजनीति आती है तो समझिए स्पोर्ट्स में अगर राजनीति आती है तो स्पोर्ट्स डूब जाता है और अगर राजनीति में स्पोर्ट्स भावना आ जाए तो मेरा मानना है कि राजनीति में निखार आती है। अब मुझको लगता है कि यही कारण है कि मरहूम डॉक्टर साहबुद्दीन साहब ने नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए और बहुत सारी बुराइयों से बचाने के लिए स्पोर्ट्स को माध्यम बनाया। आज ये पहला टूर्नामेंट हुआ मैं तो कहूंगा कि यह सिलसिला चलता रहे कि इससे भी बढ़कर और आने वाले दिनों में ये मेमोरियल टूर्नामेंट हो और खास तौर पे मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं सीवान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को और हमारे पुराने जितने भी लोग हैं खेल से जुड़े हुए फरीदे साहब से लेके अजय तिवारी से लेके और अवधारी चौधरी है ज्यादा किसे लेके सब लोग और सबसे बड़ी बात जो दीना साहब साहिबा ने दिलचस्पी दिखाई दे काफी इसका देख रेख और ये किया वो सब मुबारकबाद हमारी तरफ से सबों की तरफ से है और यही कहेंगे कि जो जीता उसका बल्ले बल्ले जो नहीं जीता वो आगे जीतेगा तो स्पोर्ट्स को अगर आप समझ जाइए तो आप डिसिप्लिन भी हो जाएंगे और स्पोर्ट्स को अगर जीवन का शैली बना लीजिएगा तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा और यही वजह है कि खेल में देखते होंगे कि फॉल प्ले जो खेलता है उसको दर्शक कभी पसंद नहीं और
अच्छा खेलने वाला अगर हार भी जाता है तो लोग उसको कहते हैं कि भाई टीम हारी तो हारी, मगर प्लेयर बहुत डिसिप्लिन थे और बहुत एकताबद्ध से वो खेले, वो सहानुभूति लेते हैं। तो मैं आयोजक संघ को और हिना साहिबा को, अवधारी चौधरी, सभी आयोजकों और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को और पुराने ये जो स्पोर्ट्स खेल